नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज के एक और खास खबर में। यूपीएससी में पहाड़ के कई प्रतिभाओं ने ये साबित कर दिया है कि पहाड़ अब सबसे आगे है। जी हाँ, जिस तरह से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिले के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, उससे साफ होता है कि पहाड़ और प्रतिभा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बता दें कि मूल रूप से रानीखेत के बिंता गाँव निवासी दीपेश कैड़ा ने तीसरे प्रयास में सफल रहे और सिविल सेवा परीक्षा में 86वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद दीपेश की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं कैड़ारो घाटी में हर घर से लेकर बाजार तक दीपेश की चर्चा है। मिली जानकारी के मुताबिक महामारी कोरोना वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बिंता निवासी इंजीनियर दीपेश सिंह कैड़ा, जो हाल में देहरादून में रहते हैं, उनको कुछ अलग सोचने का अवसर दिया। अब वो इंजीनियरिंग छोड़कर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए। बता दें कि दीपेश ने साल 2015 में 85% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने DIT विश्वविद्यालय से BTech किया और उनकी नौकरी अशोक लेलैंड में लग गई, जिसके बाद दिनचर्या ठीक चल रही थी, लेकिन तभी कोरोना की दस्तक हुई और लॉकडाउन के दौरान उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। ऐसे में उनके ताऊ की बेटी नम्रता और उनके पति अतुल कुमार, जो कि IRS अधिकारी हैं, उन्होंने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद दीपेश ने अपने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी हासिल की। बहरहाल दीपेश की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज के साथ। नमस्कार।